स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग लेसन्स रिवाइज विच वी आर लर्न इन प्रीवियस क्लास इन थर्ड स्टैंडर्ड. दिस इज फ्रॉम बुक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6. इफ़ यू हैव बुक यू कैन रेफर फ्रॉम टेक्स्ट बुक. इफ़ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक दैन यू कैन राइट दीज पेजेस on in classwork notebook and that will be your homework. And if you have book you can fill these answers in textbook only. Match and make sentences and find out how everyone is feeling. This is I with I we can match M. M will come. She with I am happy. Then she is surprised. Rahul is sad. Then he is angry. Then they are will come. They are surprised. Then Riha is happy. You are sad. Now next question B. Read these signs and now write what these signs tell us. Use the words must and must not for each. With this each picture we have to write the sentences with you by use must and must not for each pictures. First is this is horn means we have to write the sentence. We must not blow the horn means बिना मतलब के horn नहीं बजाना चाहिए. In second picture it is stop. We must stop vehicle if needed. We must stop vehicle. ये sign देखकर stop करना है. Then this is ये देखो footpath पे ही चल रहा है तो क्या लिखेंगे. We must walk on the footpath. Footpath पे ही चलना चाहिए. Then fourth is ये sign किसके लिए होता है. U-turn के लिए. ये sign क्या बताता है. इस पे U-turn नहीं ले सकते हैं. We must not take U-turn. Then fifth is this is sign for P is parking. No parking means we must not park here. Now next is C question.
Complete these sentences. Number one, these are sentences on page 6. If complete these sentences, if I get up late today, I may not be able to reach school. अगर मैं लेट उठा तो स्कूल नहीं जा पाऊँगा या जा पाऊँगी. Then next, if I use my binoculars, I may see. अगर मैं binoculars use करूँ तो मुझे stars अच्छे तरह से बड़े बड़े दिखेंगे. Binoculars से जो छोटी चीज़ होती है दूर की, वो पास दिखती है और बड़ी दिखती है. और इसमें क्या आएगा, वी मस्ट नॉट बी एबल टू रीच स्कूल ऑन टाइम. इसमें आएगा ऑन टाइम. देन इफ आई हेल्प मम्मी, आई मे गेट टेस्टी फूड एंड गिफ्ट. अगर मम्मी को काम कराए, मम्मी खुश हो जाए तो अच्छा खाना देगी और गिफ्ट देगी. नाउ ओपन पेज 7. ऑन पेज 7 इट इज़ गिवन डी क्वेश्चन. गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स. आस्क क्वेश्चंस फॉर दीज स्टेटमेंट्स यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. मिक्की माउस इज अ कार्टून कैरेक्टर. उसके साथ हु दिया हुआ है, मतलब हु यूज़ करके हमें क्वेश्चन बनाना है. तो क्या आएगा, हु इज़ अ कार्टून कैरेक्टर. इसमें बता रहा है कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस है, पर हमें क्वेश्चन बनाना है. तो यहाँ यही सेंटेंस को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो क्वेश्चन टाइप में. Who is a Mickey Mouse? Mickey Mouse कौन था, कार्टून कैरेक्टर. ऐसे भी बना सकते हैं, या ये बना सकते हैं या ये. I was in the garden. Where तो क्या बनेगा, where use करना है. Where were you? तू कहाँ पर था, तो उसमें क्या बोल रहा है, आई वॉज इन द गार्डन. तो कहाँ पर था, वेयर वर यू. देन शगुन वैन टू दिल्ली यस्टरडे. वैन यहाँ पर वैन यूज़ करना है. वैन डेड शगुन गो टू दिल्ली. दिल्ली कब गया था, when did, तो yesterday गया था. रवि चैटेड विथ हिज फ्रेंड्स. what यूज़ करना है. what did रवि डू, तो क्या आएगा, रवि चैटेड विथ हिज फ्रेंड्स. दिस इज ऑल्सो On page 7 only. E question. Imagine you are only to interview the cricket star Sachin Tendulkar. Fill in the blanks with the question words. To complete the questions, you have to write down for the interview. Dash were you born. इसमें सभी में क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने हैं. क्वेश्चन वर्ड्स W वाले होते हैं. W वाले मीन्स वेयर, वॉट, whom, ये सारे वर्ड्स W वाले यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, वेयर यू वर बॉर्न, तुम लोग तो कहाँ पर पैदा हुआ था. देन डैश इज़ योर मदर्स नेम, तो क्या यूज़ करेंगे, वॉट इज़ योर मदर्स नेम. देन डैश डिड यू स्टडी, वॉट डिड यू स्टडी. देन थर्ड फोर्थ
डैश एनकरेज यू टू प्ले क्रिकेट, हु, किसने तुझे एनकरेज किया क्रिकेट खेलने के लिए। डैश डिड यू मैनेज टू प्ले सो वेल, हुम डिड यू मैनेज टू प्ले सो वेल। देन डैश डू यू ऑलवेज हैव अ स्माइल, हुम डू यू ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। देन डैश इज योर फेवरेट प्लेयर, तो कौन है आपका, तो क्या आएगा, हु। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ, रीड दीज सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स, टाइनी, स्ट्रॉल, ओबीडियंट, ह्यूज एंड हॉट। दीज आर सेंटेंसेज दैट वी हैव टू यूज इन द ब्लैंक्स। माई टीचर सेड डाइनोसोर्स वर बिग एनिमल, बिग का क्या होता है, ह्यूज। डाइनोसोर्स वर ह्यूज एनिमल्स, क्या लिखेंगे पहले में, ह्यूज। देन सेकंड, इट इज वेरी वार्म, सिमिलर मीन्स सेम टाइप के, वार्म टुडे, वार्म का क्या होगा, हॉट, वार्म का क्या होता है, हॉट टुडे, तो इसमें हॉट लिखेंगे। माय ग्रैंडफादर गोस फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक करना मतलब उसमें स्ट्रॉल करना, क्या करना, स्ट्रॉल, ही, माय ग्रैंडफादर ही गोज फॉर अ स्ट्रॉल। देन नेक्स्ट इज आंट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स, आंट्स आर क्या होगा, टाइनी, स्मॉल क्या का क्या आएगा, टाइनी, टाइनी मतलब छोटे। प्रिया इज़ अ गुड गर्ल, शी लिसन्स टू हर पेरेंट्स, लिसन मतलब जो कहना मानने वाला, ओबीडियंट, प्रिया इज एन ओबीडियंट गर्ल, वो कहना माने। ये सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको फिर से पिक सेंड करूँ, पहले वीडियो एक बार देख लेना, फिर ये पिक मैं सेंड करती हूँ, वो ही आपको अगर बुक टेक्स्ट बुक है तो उसमें फिल करना है, अगर नहीं है तो एक क्लास वर्क इंग्लिश की अलग से बनाकर ये सारी एक्सरसाइजेस कॉपी करके होमवर्क की तरह करके रखना है, ये सारे पेजेस आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है।